ऐसे ही लालू यादव जी को मारने की तैयारी है संपत्ति लेने के लिए। लालू यादव जी जब इतने ज्यादा बीमार हैं, उनको बार बार यूज करना, और लालू यादव जी कहते हैं चुल्लू भर पानी में 15 साल आप रहे, बिहार की गरीबी और बिहार का पलायन रेट, बिहार का बेरोजगारी, बेरोजगारी बेरोजगारी की बात करता है लालू यादव जी का बेटा। इस बिहार में यदि बेरोजगारी की देन है तो 16 साल महा पड़ा था बेरोजगारी का और गरीबी का। दूसरा, सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं सभी भीसी के, जितने भीसी बने हैं हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं, हाईकोर्ट जज की मांग करते हैं। हम मगध यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट, दरभंगा विश्वविद्यालय, मिथिला यूनिवर्सिटी के अविलंब बर्खास्त कर उसको जेल में बंद करिए, उसकी सारी संपत्ति छीनिए। प्रोफेसर वर्मा जो रजिस्ट्रार है, इसकी अकूट संपत्ति की जांच होनी चाहिए। प्रोफेसर वर्मा एंड पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सभी प्रिंसिपल की जांच होनी चाहिए जी। नियुक्ति का पूरा नियुक्ति गलत है। एएन कॉलेज के प्रिंसिपल, बीडी पब्लिक, मैं प्रूफ दूंगा 30 तारीख को, पर सभी प्रिंसिपल के गलत नियुक्ति के, 30 तारीख को कि नियुक्ति गलत हुई है। यह वर्मा जो रजिस्ट्रार बना हुआ है, यह बहुत बड़ा चोर है। तीसरा, मैं नीतीश जी से मांग करता हूं, मैं नहीं आता है बेचारा का तबीयत इतना खराब है, अब बार बार यूज करते हैं आप लालू प्रसाद यादव जी को, तबीयत की जरूरत है, कभी कहते हैं सिंगापुर जाएगा, और बार बार राजनीतिक में यूज करना, क्या वो सही है क्या? तो अपने जीप चला रहे थे लालू यादव जी। भैया हमको तो समझ में नहीं आता है कि अब ये 1990 नहीं है, हर चीजों का पॉलिटिकल स्टंट उचित नहीं है। अभी जोरी है गरीबी, अभी जोरी है बेरोजगारी, अभी जोरी है एजुकेशन और हेल्थ। आप हमेशा पिक्चर में छपने के लिए उल्टा सुलटा करते हैं, हमेशा फोटो छपने के लिए आप जो मनाता है सो करते हैं। शहीद पर मतलब पागल है उसका परिवार कि जल्दी लालू जी शहीद हो जाए, परिवार मानने की कोशिश। हमको तो समझ में नहीं आता, ये बार बार आप लालू जी को इलाज नहीं करा करके, अब फिर आप कह दिए अभी कि लालू जी सीरियस हो गए, अभी बिहार फिर सीरियस, नाटक हो रहा है। नहीं, लालू जी का नाटक नहीं है, लालू जी सही में बीमार है। परिवार वाले नाटक, परिवार हमेशा पॉलिटिकल इवेंट्स करता है लालू जी का इस्तेमाल करके, फेस आप चुनाव में ले आया वोट के लिए। बहुत क्लियर, बेटियों के साथ बलात्कार और हत्या डेवलप बढ़ गए हैं, प्लीज रोक लगाइए। धर्मेंद्र प्रजापति पर जो हमला किया है आशुतोष सिंह चंद्रवंशी, अभिषेक सिंह, जय गुप्ता, ओम गुप्ता, ये फुलवारी थाना मिला हुआ है पूरा का पूरा, और का के मारा है अभिषेक सिंह, ये जमीन के दलाल हैं। हम वहां गए थे, वो डरे हुआ पूरा परिवार, पूर्णिया उनका ससुराल है, उनकी पत्नी मेरी बहन के साथ पड़ी है, रो रो के बुरा हाल था मेरी उस बहन का। हम अविलंब अभिषेक सिंह, जय गुप्ता, इन लोगों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। धन्यवाद, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए सर। तो आप नरेंद्र मोदी जी से ना पूछना चाहिए हमारे भाई को, हम तो कह ही रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को समाप्त करने की पूरी, ये गरीबी कोई नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री काल में नहीं हुआ है, ये 40 साल की देन है पलायन का, बेरोजगारी का और गरीबी का। 52% गरीबी अभी साफ है, हम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए।
इससे बड़ा अभिशाप दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और जहां एनडीए और भाजपा की सरकार है गरीबी वही है। मैंने तो कहा गुजरात में 18%, 39% यूपी, 38% मध्य प्रदेश। मांझी जी की पार्टी कचरे का ढेर बता रही है नीति आयोग की रिपोर्ट को। देखिए मैं धन्यवाद, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, वो स्वतंत्र है अपनी बात करने के लिए। मैं बिहार के 15 करोड़ लोगों की बात मैंने की है। और नीति आयोग यदि कचरे का ढेर है तो अविलंब नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, या नहीं तो एनडीए की सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। यदि नीति आयोग मांझी साहब को, उन लोगों को, यदि नीति आयोग का कचरा ढेर है तो नीतीश कुमार को भी जी अविलंब ले लेना चाहिए उस समर्थन वापस। नीतीश कुमार जी ने तो कहा नहीं है, अभिजेंदर यादव जी ने कहा है, तो नीतीश कुमार जी को गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या वो बीजेपी के साथ चल पाएंगे कि नहीं। और ये जिम्मेदारी बीजेपी की ज्यादा है। बीजेपी की सरकार यूपी में नीतीश कुमार है क्या? मध्य प्रदेश में नीतीश कुमार है क्या? गुजरात में नीतीश कुमार है क्या? यह तो बिहार के लिए अभिशाप है 52%, और कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमारी पार्टी इसको लेके लड़ेगी। हमारी राजेंद्र प्रसाद को जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, सर बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, बीसी का अपॉइंटमेंट आरएसएस और बीजेपी के द्वारा तय होती है। एक चपरासी और पीए भी बगैर आरएसएस के इस देश में कोई नहीं रख सकता। बीसी तो गवर्नर तो मात्र एक मोहरा है बाद में वसूलने के लिए। 5 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ रुपया पर सभी बीसी का। और मैं जानना चाहता हूं बीजेपी से, क्या बिहार में टैलेंटेड नहीं है बीसी बनने के लिए? यूपी और मध्य प्रदेश से लोग आएंगे, बिहार के लोग मर गए। हम विरोध करेंगे बाहर से आने वाले बीसी का। यदि अपॉइंटमेंट किया गया बिहार के टैलेंटेड लोगों का नहीं किया गया और बाहर से लाया गया, हमारी छात्र इकाई विरोध करेगी कि बिहार में हम लोग मर गए। पूरी दुनिया को हम देते हैं लेकिन हमको कोई और चलाएगा और पढ़ाएगा। आरएसएस और बीजेपी तय करती है 5 करोड़ से ऊपर रुपये में। इसमें नीतीश कुमार क्या करे? नीतीश कुमार का तो कुछ चलती नहीं रहा है। लखनऊ में आदमी बैठा हुआ है आशुतोष श्रीवास्तव। आशुतोष श्रीवास्तव लखनऊ में वो तय करता है कौन गवर्नर बनेगा, कौन वीसी बनेगा। नीतीश कुमार का तो कुछ चल ही नहीं रहा है। करते हैं कि बजट बंद कर दे यूनिवर्सिटी में, कबाड़ा बना दिया इन लोगों ने, दुधारू गाय समझ लिया। जो गवर्नर आता है लूट के लेके चला जाता है बिहार को। जो आया लूटा, जो आया लूटा, रोकेंगे अब हम लोग। दिल्ली तलब हुए थे लेकिन भैया अगर कोई दिल्ली तलब नहीं है, रेट बढ़ाने के लिए तलब होता है, कोई दिल्ली तलब नहीं है। कमीशन पहुंचाने के लिए औकात है तो कर दे, गवर्नर को हटा दे, यूपी का चुनाव है, पता चल जाएगा। गवर्नर कहीं दो, गवर्नर तो 0-10% है। जो बड़ी मछली आई तो पोठिया चंगरा गवर्नर साहब की बात क्यों करते हैं आप? सब बली बकरा गरीब है। आई तो बैठा रहा आशुतोष श्रीवास्तव भी सब बरका बरका। इसमें जहां जहां एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार, यह देश के सभी प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबी वहीं क्यों? 52% बिहार, 38%, 39% उत्तर प्रदेश, 38% मध्य प्रदेश, 18% गुजरात। 3 बार सीएम नरेंद्र मोदी, इस कंट्री में जहां भी बीजेपी की और एनडीए की सरकार है, दुखद है, आजाद हिंदुस्तान के बाद इससे बड़ा चुल्लू भर पानी में डूबने की बात क्या हो सकती है कि 52% गरीब हम हैं बिहार में, 52,
समय आ गया है एनडीए और बीजेपी को खत्म करने की। यदि बीजेपी इसी तरह अन्य स्टेट में गया, केरल का रोजगार की संख्या है 0.79, 80 है भाई। हम तो सोच के परेशान है जनाब। और चैनल चला रहे, टीवी चला रहे लालटेन में, बत्ती नहीं। बिहार कहां है, जीडीपी कहां, हमारी मानव सूचकांक कहां है, हम किस हाल में है, हमें लड़ना होगा इस सवाल पर। और बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है इन गरीबी को मिटाने के लिए, गरीबी के सवाल पर कोई दूसरा सवाल नहीं होगा। और मस्त है सब लोग चुनाव में, पार्टी अकूत पैसा बहाती है हर चीजों पे। इनको मोमेंटम करना है, बेचना है, कोई मतलब नहीं किसी पार्टी को बिहार के 52% गरीबी से। यह मेरा सवाल है वर्तमान सरकार से और विपक्ष से, 40 सालों में लालू यादव जी ने कहा चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, तो पहले तो बड़े भाई को, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां गरीबी तो शुरुआत इस 40 साल 42 साल की देन है।